आज हम बात करेंगे सौरभ जोशी का वीडियो फर्स्ट वाला कौन सा था और कैसे वायरल हुआ सौरभ जोशी का वीडियो। तो आइए हम देखते हैं सौरभ जोशी का फर्स्ट वीडियो क्या था और कैसे वायरल हुआ, उसकी पूरी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आ जाते हैं यूट्यूब पे, तो सौरभ जोशी का चैनल है और हम जाते हैं सौरभ जोशी के फर्स्ट वीडियो पे। तो डेट ऑल्डेस्ट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट वीडियो था हाउ आई ड्रॉ MS धोनी। भाई हम चलाते हैं ये वीडियो। अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ MS धोनी, जो कि आपने डॉम्स कलर पेंसिल के रिव्यू में देखा होगा। इसे मैंने कल स्टार्ट किया था, जितना मैंने आपको आर्ट दिखाया वाला डॉम्स वीडियो कलर बना रहे हैं पेंसिल सर। वाली वीडियो में, तो आज इसको कंप्लीट करेंगे। और मैं बिल्कुल रियलिस्टिक ड्रॉ नहीं कर रहा इस तरह का, जितना जैसे फोटोग्राफ में है। मैं थोड़ा बहुत अलग तरह से ड्रॉ करने का ट्राई करूँगा और इसमें बैकग्राउंड को भी मैं शेड करने की ट्राई करूँगा। तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो देख लो कुछ इस तरह का तो लग रहा आप है थोड़ा सा फ़ोन इसको में। आगे फ़ोन की बढ़ा दें। रिकॉर्डिंग में इतना अच्छे से नहीं दिखता, फ़ोन में लाइट से आ जाती है, तो लाइट लाइट शेडिंग दिखती है, बट कैमरे में देख सकते हैं आप काफ़ी डार्क शेडिंग देखने को मिल रही है। रियल में भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसको भी ठीक करेंगे जब कंप्लीट होने के बाद। बाय द वे, आज शिव जयंती है तो मम्मी ने व्रत रखा है, तो मम्मी बुला रही हैं शंख बजाने के लिए। आज अच्छा, काफ़ी लोगों के आर्ट और कमेंट्स भी आ व्लॉग रहे थे दोनों कि मिक्स आज करके बनाया शिवाजी था मैंने महाराज की जयंती है वीडियो। तो उनकी ड्राइंग बनाओ। तो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था इस बारे में, नहीं तो मैं ज़रूर बनाता। तो जल्दी ही आ जाएगी, मैं जल्दी ही उनकी ड्राइंग बना के अपलोड करूँगा। वैसे आपको मैं बता दूं, शंख बजाने के लिए बहुत ज्यादा दम चाहिए होता है। शंख बजाने के लिए नॉर्मली शंख बजता नहीं है जितना इजी आपको लगता है। पानी डालना पड़ता है इसमें। पूजा करने के बाद मैं गया छत पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, सारा दिन ड्राइंग कर रहा था, तो यहाँ पे भी मैं बोर हो गया अकेले अकेले। पहले ऊपर रूम नहीं था इनके, फिर मैं गया वापस रूम नीचे बाद में ड्राइंग को बनाया। कंप्लीट करने के लिए। Two very boring minutes later. सो अभी हल्का हल्का अंधेरा बंद। बाय द वे 90%। सो गाइस, दिस इज द फाइनल ड्राइंग। इसमें मैंने बैकग्राउंड को शेड किया अच्छे है बनाई है सॉफ्ट ड्राइंग को। पेस्टल का यूज करके, तो मैंने स्काई ब्लू कलर रखा है। आई थिंक काफी अच्छा लग रहा है। सो कमेंट करके बताना कि किस तरह की लगी आपको मेरी ये ड्राइंग। इस तरह की वीडियोस मैं और अपलोड करूँ या ना करूँ? इस तरह की वीडियोस तो मैं डेली अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि डेली मैं ड्राइंग करता हूँ। तो मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या मैं ऑब्जर्व करूँगा, सब कुछ आपको बता दूंगा। बताना इस तरह की वीडियोस मुझे अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसकी टाइम लैप्स वीडियो मेरे आर्ट वाले चैनल पर आ जाएगी। एंड गाइस, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। इस चैनल पर भी हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो गिव इट ए बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आपने देखा, इस चैनल पर उस टाइम पे 2000 सब्सक्राइबर थे और ये वीडियो पे अभी 2 साल हो चुके हैं, इस पे 6,05,000 सब्सक्राइब और 6,05,000 व्यूज आ चुके हैं। तो हम इस वीडियो का लिंक करते हैं कॉपी, लिंक कॉपी कर लेते हैं इसको। टाइटल और टैग निकाल के देखते हैं सबसे कि इस पे क्या टाइटल और क्या टैग डालें। कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप टाइटल और टैग फाइंड करने के लिए। वेबसाइट तो देखिए, हमको वेबसाइट मिल चुकी है। ये भी वेबसाइट सही है, टूल्स बग नाम से। तो देखिए, ये सौरभ जोशी आर्ट, सौरभ जोशी, ठीक है। MS धोनी ड्राइंग, हाउ टू ड्रॉ MS धोनी, हाउ आई ड्रॉ MS धोनी स्टेप बाय स्टेप, ड्रॉ ट्यूटोरियल, ड्राइंग ट्यूटोरियल्स, ड्राइंग ड्राइंग मटेरियल्स, ड्राइंग मटेरियल्स इन हिंदी, ड्राइंग मटेरियल्स ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। तो यहाँ पे सारे टैग्स जो हैं ड्राइंग वाले डाल रखे हैं और आर्ट वाले डाल रखे हैं। तो देखिए, इनका वीडियो वायरल होने का मतलब 90% तो रीजन ये है कि इनका आर्ट वाला जो चैनल था, इनका जो आर्ट वाला चैनल था उस पर क्या, इनके पहले से फेस वैल्यू बन चुकी थी। फेस वैल्यू इनकी इतनी ज्यादा थी आर्ट वाले चैनल से, मतलब कम से कम उस पर भी 6 लाख 7 लाख जो थे उनके सब्सक्राइबर थे। तो आर्ट वाले चैनल से इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस चैनल पे। तो जो आर्ट वाला चैनल था वो ये था कि उसके सब्सक्राइबर जो थे एक्टिव सब्सक्राइबर, वो सारे ट्रांसफर हो गए सौरभ जोशी ब्लॉग में, मतलब सिर्फ ओनली एक्टिव सब्सक्राइबर। अब जैसे मान लीजिए आर्ट वाले ब्लॉग पे 7 लाख सब्सक्राइबर है, जिसमें से 3 लाख सब्सक्राइबर ही इनका वीडियो रोज देखते हैं। तो यूट्यूब
देखता है कि इनके ज्यादा सब्सक्राइबर ही इनके वीडियो देखते हैं तो ज्यादा प्रमोट नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने व्लॉग्स वाला चैनल बनाया उस पर आर्ट वाले के सारे एक्टिव सब्सक्राइबर थे, जो 3 लाख 2 लाख जो भी थे उन्होंने इनका वीडियो देखा। तो यहाँ पे सारे जो सरो जोशी का व्लॉग जो चैनल है इस पर सारे इनको एक्टिव सब्सक्राइबर मिले जो इनके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है, जो सारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स ट्रांसफर हुए। तो इनके जितने भी वीडियो थे सब्सक्राइबर के हिसाब से वीडियो पे व्यूज ज्यादा थे, क्योंकि इनके सारे जो व्यूज थे वो आर्ट वाले चैनल से आए थे। तो यूट्यूब को लगा कि इनके सब्सक्राइबर कम है और व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो इनका वीडियो बहुत कॉन्टेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन जबकि इनका वीडियो जो था होम बेस्ड वीडियो था, इनका होम का था और सबसे पहले वीडियो ड्रॉइंग का था। तो यूट्यूब के क्या लगा कि इनका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है और लोग इसको बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट वाले चैनल से सारे सब्सक्राइबर यहाँ पर ट्रांसफर हुए। तो इस वजह से इनका चैनल स्टार्टिंग से ही ग्रो होना चालू हो गया था। और लॉकडाउन में जब इन्होंने लगातार वीडियो डाली, तो लॉकडाउन में सब अपने घर पे थे और सबने इनका वीडियो लगातार देखा, इनके सब्सक्राइबर्स ने जो भी एक्टिव सब्सक्राइबर थे, तो यूट्यूब ने इनका जो चैनल और वीडियो प्रमोट करता गया और आज इनके चैनल की वैल्यू इतनी हो गई है कि एक वीडियो डालते हैं तो मात्र 5 घंटे में, मतलब 5 आवर्स में इनके वीडियो पर मिलियन व्यूज आ जाते हैं। तो यही रीजन है इनका चैनल इतना ग्रो करने का। और भी चीजों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, हम इसको और भी रिसर्च करेंगे कि कैसे आप अपने चैनल को और भी ग्रो कर सकते हैं। तो देख लीजिए सिंपल थंबनेल, जो हमने वीडियो देखा भी लास्ट में सिंपल थंबनेल था, अभी जो लास्ट में हमने वीडियो देखा सिंपल थंबनेल और जो टाइटल थे, ये देखिए सारे टाइटल ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे टाइटल, सिंपल टाइटल और वीडियो से रिलेटेड है, ठीक है, तो सिंपल टाइटल है और टैग्स भी ज्यादा नहीं है, 10 टैग के आसपास है और सारे टैग जो है वीडियो से लिंक रखते हैं। तो इसी तरह से सिंपल स्टिक वीडियो बनाइए, यूट्यूब आपके चैनल को जरूर प्रमोट करेगा। और हाँ, फेस वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप अपने चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर है तो फेस वैल्यू अभी से डालना चालू कीजिए ताकि आपकी फेस वैल्यू क्रिएट हो जाए और आप दूसरा चैनल बनाइए ताकि आपका जो एक्टिव सब्सक्राइबर है उस पर आकर आपका वीडियो देखे और आपका भी दूसरा चैनल ग्रो हो। अगर दूसरा चैनल नहीं है तो अपने चैनल पे फेस वैल्यू की वीडियो जरूर डालें और सौरभ जोशी जैसा आप भी ग्रो कर पाएंगे एक दिन। बाय बाय।